स्विस बैंक की सूची नहीं आई, एसबीआई की सूची आ गई। एसबीआई की सूची में काला धन भारतीय जनता पार्टी के खातों में दिखा। अब देखो 6,700 करोड़ रुपए लीगल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी ने इस बॉन्ड योजना के अंतर्गत अपने खातों में डलवाए। जो काला धन अलग से लिया वो इससे 100 गुना ज्यादा होगा, क्योंकि जितनी खरीद फरोख्त तो हो रही है, 500 से ज्यादा विधायक इधर उधर हुए पूरे देश में इस 10 साल में, और बीजेपी के पक्ष में 90% चले गए। सांसद चुने हुए इधर उधर हुए वो बीजेपी के पक्ष में चले गए, और आप सब ने बताया कि पैसे बगैर कुछ नहीं होता, लेन देन बगैर कुछ नहीं होता है। तो मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, 20 कंपनियां ऐसी निकली जिनपे ईडी और सीबीआई, 21 कंपनियां जिन्होंने ईडी और सीबीआई के छापे डाले, उनने भारतीय जनता पार्टी को बॉन्ड खरीदी में चंदा दिया। मतलब उधर रेट डल रही थी, उसके आसपास इधर उनके चंदे में कोविड यातनाओं का की पराकाष्ठा थी। हर व्यक्ति जिसके पास जो था देने को तैयार हो रहा था, सेवा करने के लिए तैयार होता, गरीब से गरीब भी अपना सब कुछ लुटाने में लगा था। तब नरेंद्र मोदी जी कोविड वैक्सीन कोविड सील के पूनावाला से मिले थे 50 करोड़ रुपए, उसी कंपनी ने बीजेपी को चंदा दिया कोविड सील। आप देखो उस मौत के तांडव में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी अपनी जो लूट की नीति है उसको अपनाए रखी। फिर उसी कंपनी को सारे नियमों को शीतल करके कोविड सील की अनुमति सबसे पहली मिली थी, जिससे आज अटैक आ रहे हैं लोगों को, मर रहे हैं लोग, खड़े खड़े गिर रहे हैं लोग, मौत के सौदागर जैसा काम। जो परिवार के लोग, जो परिवार के साथी हमारे गए, ये आखिर कोविड में भी चंदे का धंधा इनका चलता रहा। अभी मैंने जैसा कहा, आज ट्वीट भी किया है, एसबीआई ने 18,871 लोगों ने चंदा देने वालों की लिस्ट जारी की, 20,411 चंदा लेने वालों की सूची भी है, 1,550 लोगों की सूची में का अंतर है। 2019 के पहले की लिस्ट एसबीआई ने भी नहीं दी, वहां भी गड़बड़ है, और ये एसबीआई पहले भी नहीं दे रही थी, जो कोर्ट ने फटकार लगाई तब दी। इसका मतलब ये है कि मोदी मित्र सूट बूट और लूट की सरकार जो राहुल गांधी जी कहते थे, उनका नाम नहीं है इसमें। क्यों भैया, क्यों नहीं है? और ये 19 से पहले के नाम क्यों छुपाए गए? कि जिन कंपनियों पर रेड डली ईडी की और सीबीआई की, उन सब ने चंदा दिया बीजेपी को। ये क्या है, चंदा की उगाही नहीं है तो क्या है? हमारे मध्य प्रदेश में एक दारू का माफिया है जिसकी गिरफ्तारी हुई, 34 करोड़ रुपए उसने भी भारतीय जनता पार्टी को अपने खाते में दिए, और 3 दिन बाद 4 दिन बाद उसकी जमानत हुई। ये क्या मैसेज है? ये मैसेज है कि काले धन की लूट, चंदे की लूट एजेंसी बन गई हमारी भारत की व्यवस्था, ये चंदा उगवाने में, और ये नरेंद्र मोदी जी के राज में। आपने 35 रुपए का पेट्रोल डीजल देने का वादा करके वोट लिए, 107 रुपए का पेट्रोल कर दिया, उसमें 2 रुपए कम कर दिए, और पूरी मीडिया को लगा दिया कि हमारी वाहवा करो, पूरी मीडिया लगी है इस बात में कि 2 रुपए कम कर दिए। पर ये मीडिया कभी नहीं बोली कि 35 का वादा किया था, 60 का पेट्रोल था जो 107 कर दिया। इसका मतलब है देशवासियों समझो कि परेशानी आपके दिमाग को हाईजेक करने की कोशिश है। आपको यातना दी, 2 रुपए कम की, और मीडिया फिर आपकी उनकी वाहवाही करके आप ही के दिमाग को कैप्चर करने की कोशिश है। तो जितना दोषी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी है, उतना ही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी भागीदार है। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी आने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है।
पटवारी ने इसके साथ ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं के मुद्दे पर अपनी सफाई दी है। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा, मोदी जी ने 2014 में काले धन वाली स्विस बैंक की सूची लाने का वादा किया था। स्विस बैंक की सूची तो नहीं आई पर एसबीआई की सूची आई। 6,000 करोड़ बॉन्ड के जरिए काला धन अपने खाते में डलवाए हैं। 500 से ज्यादा विधायक और सांसद दल बदल कर चुके हैं, 90% बीजेपी में गए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 10 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है, जबकि 18 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान होना अभी बाकी है। हालांकि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बताया है कि 18 मार्च को कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में सभी 18 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाएगा, जबकि एक सीट कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी है। वहीं इस दौरान जीतू पटवारी ने लगातार कांग्रेस छोड़कर जा रहे नेताओं पर भी निशाना साधा है। जीतू पटवारी ने कहा, 2018 मार्च को कांग्रेस चुनाव अभियान समिति की बैठक होगी, जिसमें बची हुई 18 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगेगी और इसी दिन प्रत्याशियों का ऐलान किया जाएगा। बता दें कि कांग्रेस ने अब तक मध्य प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी तक बड़ी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया है। वहीं लगातार कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे नेताओं को लेकर जीतू पटवारी ने कहा, जो नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उनमें जो गए हैं वह पहले से ही कांग्रेस से निष्कासित हैं। अब तक जितने भी नेता बीजेपी में गए हैं उनमें से 80% पहले से ही निष्कासित थे। बता दें कि शुक्रवार को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के गृह जिले इंदौर से आने वाले दो नेता पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार और 2019 में इंदौर से लोकसभा चुनाव लड़ चुके पंकज संघवी बीजेपी में शामिल हो गए, जबकि इससे पहले भी कई नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं।